व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अंदर रिएक्शन वीडियो। आज एक मूवी के ट्रेलर पे है और वो मूवी मेरे हिसाब से रिकॉर्ड ब्रेक कर देगी, क्योंकि एक तो देशभक्ति की मूवी है, प्लस इसमें इंडियन आर्मी डिफेंस हर एक के बारे में है। और द टाइटल है भुज द प्राइड ऑफ इंडिया ऑफिशियल ट्रेलर। इसमें अजय देवगन, सोनाक्षी सिन्हा, संजय दत्त, एमी विर्क, नोरा फतेही, मैं सब बड़े से बड़े दिग्गज कलाकार हैं इसके अंदर। तो आई एम सॉरी, मूवी हिट होने वाली है और डिज्नी हॉटस्टार पे आएगी। तो पहले ट्रेलर एंजॉय करते हैं। भुज में 1971 वॉर के ऊपर है, तो देखते हैं पूरा ट्रेलर एक बार। 1 2 3 गो। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टी सीरीज से। एयरबेस पर पाकिस्तानी वायुसेना ने जोरदार हमला करके एयरबेस और एयरबेस दोनों तोड़ दिए। रनवे भी एयरबेस भी तोड़ दिया। पाकिस्तानी सेना को रोकने का कोई तो रास्ता होगा। एक ही रास्ता है, मराठा सिर्फ दो ही बात जानता है, मारना या मरना। कबीरा, क्यों जंग का ऐलान है? आज खुदा खुद परेशान। भगवान कृष्ण ने कहा है, किसी की जान बचाने के लिए की गई हिंसा धर्म है। आओ हम सब मिलकर खुद से वादा करें। वास्ते बंदा। विक्रम सर टेक ऑफ करने वाले हैं। तो पाकिस्तानी सेना 100 टैंकों की रेजिमेंट के साथ 1800 सैनिक लेकर रात 11 बजे तक पहुंच जाएंगे। पाकिस्तान का परचम। अब कच्छ और भुज की सुरक्षा आप ही के हाथों में। हमें अपनी पोजीशंस चेंज करनी है। क्या बात, ताजमहल प्यार की निशानी है। तो हिंदुस्तान तेरे बाप की कहानी है। जब तक भुज एयरफील्ड पर विजय करने रनवे रिपेयर नहीं कर लेते, तब तक हमें दुश्मन को रोकना होगा। रनवे रिपेयर इंडियन आर्मी को। तेरी अदालत में मेरी एक जमानत रखना, मैं रहूं या ना रहूं, मेरे हिंदुस्तान को सलामत रखना। क्या बात है, लिए हथियार दुश्मन ताक में बैठा उधर, और हम तैयार हैं सीना लिए अपना इधर। खून से खेलेंगे होली, घर वतन मुश्किल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। क्या जय हिंद। जब तक सूरज चंदा चमके तब तक ये हिंदुस्तान रहे। आज इसी हिंदुस्तान के लिए हमें लड़ना है, और अगर जरूरत पड़ी तो बलिदान देना है। जिस दिन लड़ाई जीतूंगा उसी दिन पगड़ी पहनूंगा। कमिटमेंट। भारत माता की जय। मेरे मरने का मातम मत करना, मैंने खुद ये शहादत चुनी है। मैं जीता हूँ मरने के लिए, मेरा नाम है सिपाही। बहुत टाइम बाद कोई ऐसी मूवी आ रही है, सीरियसली बहुत टाइम बाद। सेलिब्रेटिंग इंडिया 50 इयर्स ऑफ इंडिया 1971। मतलब सीरियसली मुझे ऐसा लग रहा है कि कितने टाइम बाद ऐसी मूवी देखेंगे। जो वाइब होती है ना, प्रॉपर ऐसी एक टाइम पे, जैसे बॉर्डर की वाली जो मूवी होती है ना, जो बॉर्डर के टाइम पे सेट था ना, जो बहुत ही बड़े लेवल पे वो थी, मतलब उसी हिसाब की शूटिंग लग रही है। प्लस जैसे मतलब एक से बढ़कर एक इसके अंदर वो है एक्टर हो गया, नोरा फतेही से लेकर अजय देवगन, संजय दत्त, हर एक एमी विर्क। और प्लस जो शूटिंग दिखाई ना, वही मैं कह रही हूँ, सोनाक्षी सिन्हा का रोल दिखाया है, ऐसा क्या बोलते हैं, जो रूरल एरिया में है, समझते हैं, मतलब कि इसमें कि पूरा हमला हुआ है, एयरबेस एयर स्ट्रिप जो जहाँ रन गया जहाँ से वो पूरा उड़ा दिया, और उसके रिपेयर हुए बिना रातों रात उसको रिपेयर करते हैं पूरे गांव वाले सारे मिलके और देश के लिए, और तब तक इंडियन आर्मी को रोकना होता है कि वो पहुंच ना पाए। और प्लस तूने एक चीज भाई इसके बारे में, अगर कोई भी आप थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आप शेयर करना चाहते हैं तो जरूर कमेंट में शेयर करना, क्योंकि जो ट्रेलर था बहुत अमेजिंग। मैं हूँ देश का सैनिक, जो डायलॉग थे ना, जो डायलॉग लिखे हुए अमेजिंग थे, गूज बम्स लाने वाले थे। सीरियसली, और जो पिक्चराइजेशन थी, जो वीएफएक्स इफेक्ट्स थे, बॉम्बिंग का हर एक चीज गजब था, बहुत ही बढ़िया था। और कहीं ना कहीं मैंने एक ही लाइन में वो कह दिया कि
बहुत टाइम बाद, बहुत टाइम बाद ऐसी वाली ये मूवी हिट होने वाली है। हॉटस्टार पे आएगी 13 अगस्त को यार, तो जुड़े रहना सारे। और अच्छे टाइम पे मेरे हिसाब से नौरा फतेही सर स्पाई का रोल कर रही थी शायद, हमें स्पाई का रोल प्ले करते। एक वो मस्त था वहां से वो जासूस पकड़ा गया था ना, वो फोन पे बात कर रहा था कि वो ताजमहल प्यार की निशानी है तो हिंदुस्तान पाकिस्तान के बाप की क्या कहानी है, क्या बात है। एक वो डायलॉग बहुत प्यारा था, कहता है ना मैं रहूं या ना रहूं मेरे हिंदुस्तान को सलामत रखना, सलामत रखना। हाँ अमेजिंग ट्रेलर, और बहुत मेहनत लगी होगी इसकी शूटिंग में यार, बहुत मेहनत लगी होगी। और जो पिक्चराइजेशन थी, डायरेक्शन था नेक्स्ट लेवल था। ये मूवी 15 अगस्त के आसपास आ, 15 अगस्त के पास आ रही है, मतलब 13 अगस्त को आ जाएगी। बहुत ही अच्छे टाइम पे भी आ रहा है, बहुत ही अच्छी मूवी जा रही है। और अजय देवगन बहुत ही गजब लग रहे हैं, जो स्क्वाडन लीडर की ड्रेस में है ना, मुझे लग रहा है मैंने एक्शन मूवी बहुत तानाजी के बाद बहुत टाइम बाद ऐसी एक्शन मूवी देखी होगी मैंने अजय देवगन की। आई एम श्योर आपको भी ट्रेलर पसंद आएगा यार। और मतलब कि वेट कौन कर रहा है, आई एम श्योर सभी वेट करोगे। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ, टिल देन बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर।